पर फिर से आपका स्वागत है अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अपन क्लास लेके आए हैं आज, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग। इसमें अपन ने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था मैंने आपको ब्रीड पढ़ाई थी काऊ की, आज अपन ब्रीड की बात करेंगे बफेलो की ब्रीड की। बफेलो, बफेलो का जूलॉजिकल नेम क्या है? सबसे पहले इसका जूलॉजिकल नेम है बुबेलस बुबेलस बुबेलिस। इसकी फैमिली है वो है बोवेडी, फैमिली है इसकी बोवेडी। भैंस का जूलॉजिकल नेम है बुबेलस बुबेलिस, फैमिली इसकी बोवेडी। क्रोमोजोम नंबर पाए जाते हैं इसमें 50 एंड 48। अलग अलग ये जो अलग अलग बफेलो है उनमें अलग अलग क्रोमोजोम नंबर पाए जाते हैं। वाटर बफेलो में कितने पाए जाते हैं? 50 पाए जाते हैं। और जो मड बफेलो आती है, कीचड़ वाली आती है, उसमें 48 क्रोमोजोम नंबर पाए जाते हैं। अब अपन पढ़ेंगे भैंसों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो अफ्रीकन भैंस और एक एशियन भैंस। अब जो एशियन भैंस है उसको फिर दो भागों में बांटा गया है, एक तो जंगली भैंस और एक पालतू भैंस। फिर पालतू भैंस है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो मड बफेलो और एक वाटर बफेलो। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अफ्रीकन भैंस, सेकंड है एशियन भैंस। जो एशियन भैंस है उसको भी टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जंगली भैंस और सेकंड वाली है पालतू भैंस। अब पालतू भैंस को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हाँ जी। एक है अफ्रीकन भैंस, एक है एशियन भैंस। जो एशियन भैंस है उसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो जंगली भैंस और एक है पालतू भैंस। जो जंगली भैंस है उसको वाइल्ड बफेलो बोलते हैं और जो पालतू भैंस है उसको डोमेस्टिक बफेलो बोलते हैं। अब डोमेस्टिक बफेलो को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो कीचड़ या दलदली भैंस और एक तैरने वाली या पानी में पानी वाली भैंस। जो कीचड़ वाली होती है उसको मड बफेलो कहते हैं और जो तैरने वाली भैंस होती है उसको वाटर बफेलो कहते हैं। अपन जो स्टडी करेंगे वो अपन करेंगे तैरने वाली भैंसों के बारे में। तैरने वाली भैंसें इंडिया में पाई जाती है और तैरने वाली भैंसें मुख्यतः दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है, और जो कीचड़ वो दलदली भैंसें होती है वो मोस्टली पाली जाती है आपकी मीट के लिए और भार ढोने के लिए पाली जाती है। सभी जो भी ये कीचड़ वाली बफेलो होती है उनका रंग होता है मोस्टली कैसा रंग होता है? तांबे के समान होता है। रंग कैसा होता है? तांबे के समान कॉपर कलर होता है सबका। और जो आपकी तैरने वाली जो भैंसें होती है उनका कलर होता है मोस्टली कैसा होता है? सबका ब्राउन या ब्लैक, डार्क ब्लैक कलर होता है। लेकिन एक अपवाद है, जो कौन सी भैंस का होता है? भदावरी जो भैंस है उसका कलर कैसा होता है? तांबे के समान होता है। भदावरी का तांबे के समान होता है कलर।
तांबे या कॉपर के समान होता है, बाकी सबका कलर होता है डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर होता है, बाकी इन जो कीचड़ वाली बफेल होती है उनका कलर होता है मोस्टली तांबे या कॉपर के समान कलर पाया जाता है। अब इसमें मोस्टली देखने की क्या बात है, इसमें जो बफेलो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, एक तो हो गई भैंस है, मैंने आपको बता दिया क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, एक तो कीचड़ वाली बफेलो है और एक है इधर तैरने वाली या पानी वाली, है ना, पानी वाली, पानी वाली। अब दोनों में क्रोमोजोम नंबर, इसमें क्रोमोजोम नंबर पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं 48। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कीचड़ वाली भैंस होती है, मड बफेल होती है, दलदली भैंस होती है, उसमें क्रोमोजोम नंबर पाए जाते हैं 48। और जो पानी वाली या तैरने वाली जो भैंस होती है, वाटर बफेल होती है, उसमें क्रोमोजोम नंबर पाए जाते हैं 50। और मोस्टली अपन जो अध्ययन करेंगे, अपन पढ़ाई करेंगे, वो करेंगे पानी में तैरने वाली भैंसों की बात करेंगे। अब भैंस को किस नाम से जानते हैं, ब्लैक डायमंड भी कहते हैं, भैंस को वैज्ञानिक किस नाम से जानते हैं, भैंस को ब्लैक डायमंड भी कहते हैं, कहना भी चाहिए भाई, क्योंकि आपको पता है जो मोस्टली इंडिया में पूरे वर्ल्ड में 100% बफेलो पाई जाती है, उसमें से इंडिया में अकेले इंडिया में बफेलो है वो कितनी है, इंडिया में 57 के लगभग, 57% के लगभग बफेलो इंडिया में पाई जाती है, पूरे वर्ल्ड की 57% बफेलो कहाँ पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा जो अपने गाय भैंस भेड़ बकरी में सबसे ज़्यादा जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो होता है भैंस के द्वारा होता है, और भैंस में ज़्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है, तो घी वगैरह सब का उत्पादन किसके दूध से होता है, ज़्यादा भैंस के दूध से होता है, तो ब्लैक डायमंड बोलना इसको, ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। अब भैंस को अपन जो तैरने वाली भैंस होती है उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, वो कौन कौन सी है देखिए, फर्स्ट है भारी नस्लें, भैंस की भारी नस्लें, भारी नस्लों में सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके मुर्रा है, जाफराबादी है और नीली रावी है। फिर सेकंड नंबर पे है मध्यम नस्ल, जो ना तो भारी है और ना ज्यादा हल्की है, कौन कौन सी है, इनमें आती है भदावरी, मेशाना और नागपुरी। फिर आपकी सबसे हल्की नस्ल, इनमें है सूरती। देखिए वैसे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के सबसे जो हल्की नस्ल है वो सूरती है, और अपन अकॉर्डिंग टू आईसीआर के देखते हैं तो सबसे जो हल्की नस्ल है वो नागपुरी है, लेकिन आपका जो पेपर आएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के आएगा, और ये सूरती जो बफेलो है सबसे हल्की नस्ल है। एनबीएजीआर के अकॉर्डिंग, नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसर्च के अकॉर्डिंग, भारत में जो अभी भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं वो है 19, 19 भारत में भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, 19 है, कौन से बोर्ड के द्वारा, एनबीएजीआर, नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसर्च के द्वारा, कितनी बफेलो मान्य है, रजिस्टर्ड है बफेलो की 19 जो ब्रिड है वो रजिस्टर्ड है। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे जो भैंस की सबसे बेस्ट जो ब्रिड होती है, एक बार मैं नॉर्मली आपको रफली बता देता हूँ, जो मुर्रा नस्ल है वो भैंस की सबसे बेस्ट ब्रीड है, विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है, विश्व की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है, विश्व की सर्वोत्तम नस्ल है, जाफराबादी है। जो ये नस्लें हैं उनमें सबसे भारी नस्ल कौन सी है, जाफराबादी है, इसको मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। मुर्रा नस्ल है उसका ओरिजिन पहले से है दिल्ली हरियाणा पंजाब और पश्चिमी यूपी, और जो जाफराबादी का ओरिजिन पहले से है वो है उसका गुजरात। फिर नीली रावी है, नीली रावी का ओरिजिन पहले से पंजाब का फिरोजपुर जिला।
और इसको नीली रावी जो सतलज नदी है उसका पानी नीला दिखाई देने के कारण इसका नाम नीली रखा गया। और इसकी आंखें होती है वो वाइट होती है, आंखें सफेद होती है, जिस कारण इसको वोलाइज के नाम से जाना जाता है। और जो नीली रावी है उसका अदर नेम है पंच कल्याणी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके माथे पर सफेद रंग का टीका पाया जाता है। इसके बाद में आती है, ये हो गई आपकी भारी नस्लें, फिर आती है मध्यम नस्लें। मध्यम नस्ल में सबसे पहले आती है भदावरी नस्ल। भदावरी नस्ल है यूपी के आगरा जिले की भदावर तहसील का भाट क्षेत्र, इसका ओरिजिन पहले से है। और भदावरी नस्ल का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक दो करेक्टर है, एक तो इसका कलर होता है तांबे के समान होता है, कॉपर के समान होता है, और सबसे ज्यादा जो फैट पाए जाते हैं वो भदावरी नस्ल के दूध में पाए जाते हैं, 12 से 14% फैट पाए जाते हैं इसके दूध में। फिर आता है मेहसाणा। मेहसाणा है ये गुजरात की नस्ल है, और मेहसाणा का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करेक्टर है, मेहसाणा कहाँ कौन कौन से ब्रीड से डेवलप की गई है, तो मेहसाणा डेवलप की गई है मुर्रा इंटू सूरती से डेवलप की गई है। मुर्रा तो था उसमें मेल और फीमेल था सूरती, और मेहसाणा ब्रीड है। सर्वाधिक लंबा दूध काल होता है वो 305 दिन का दूध काल होता है भैंस का, तो सर्वाधिक लंबा दूध काल 325 दिन का होता है वो मेहसाणा का होता है। नागपुरी है, नागपुरी नागपुर के नाम से है, महाराष्ट्र नागपुर। और इसके जो सींग होते हैं तलवार के समान होते हैं। फिर इसके बाद में सूरती है, सूरती भी कहाँ की है, गुजरात की है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करेक्टर है वो ये है कि इसके जो हॉर्न्स होते हैं वो सिकल शेप में होते हैं, यानी कि दराती या हसी आकार के सींग पाए जाते हैं। तो अपन अब एक एक ब्रीड पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ब्रीड पढ़ेंगे मुर्रा ब्रीड पढ़ेंगे। मुर्रा ब्रीड के बारे में नोट कर लीजिए। हाँ जी, सबसे पहले इसका अन्य नाम है दहली भैंस के नाम से इसको जाना जाता है। इसका ओरिजिन पहले से उत्पत्ति स्थान है दिल्ली, हरियाणा, हरियाणा पंजाब दिल्ली व पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसका ओरिजिन पहले से। इस अब इसकी इस नस्ल की जो विशेषता है वो क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सबसे पहले इसके सींग की बात करते हैं अपन। जो सींग होते हैं इस नस्ल के, आपने देखा होगा मुर्रा नस्ल के जो सींग होते हैं वो घुंडियों वाले होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, जलेबी आकार के होते हैं। जलेबी आकार के सींग होते हैं वो कैसे होते हैं, जलेबी आकार के। विश्व की सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल, विश्व की सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल। विश्व की सबसे सुंदर नस्ल, व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नस्ल। नेक्स्ट है जेट इंक, चाय के समान। फिर इसके अलावा इसमें
हाँ जी देखिए, मुर्रा नस्ल है, मुर्रा नस्ल का अन्य नाम क्या है? दैली भैंस। दैली भैंस के नाम से इसको जाना जाता है और इसका जो ओरिजिन है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली व पश्चिमी यूपी, इसका ओरिजिन पहले से है। विशेषता, सींग कैसे होते हैं? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सींग इसके कैसे होते हैं? जलेबी आकार के होते हैं। और विश्व की सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल है, विश्व की सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल कौन सी है? वह मुर्रा। विश्व की सबसे सुंदर नस्ल भी कौन सी है? वो मुर्रा। व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नस्ल है, व्यापारिक दृष्टि से आपको पता है भैंस के ज्यादातर जो पैसे यानी कि खरीदा बेचा जाता है वो कैसे किया जाता है? इसके सींग देखकर। तो सबसे अच्छे जो सींग होते हैं वो किसके होते हैं? मुर्रा नस्ल के होते हैं। सबसे दिखाई देने में भी सबसे बेस्ट जो नस्ल होती है वो कौन सी होती है? मुर्रा नस्ल होती है। इसलिए व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नस्ल कौन सी है? मुर्रा नस्ल है। आफ्टर देन रंग उसका होता है स्याही के समान, रंग होता है वो यानी कि स्याही के समान होता है और ब्लैक ब्यूटी के नाम से इस नस्ल को जाना जाता है। दूध उत्पादन करती है एक ब्यावत्काल में 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यावत्काल, और इसके दूध में जो वसा पाई जाती है वो 7% वसा पाई जाती है। तो इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं आना है मुर्रा नस्ल में, मुर्रा नस्ल आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद में नेक्स्ट ब्रीड अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपन नीली रावी नस्ल। सबसे पहले अन्य नाम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका अन्य नाम, स्टार लगा लेना अन्य नाम के आगे। पंच कल्याणी के नाम से इसको जाना जाता पंच कल्याणी। इसका ओरिजिन उत्पत्ति स्थान है पंजाब का फिरोजपुर जिला। विशेषता क्या क्या है वो देखते हैं अपन। पंजाब का फिरोजपुर जिला। इसके अलावा थोड़ा सा आप और बता देता हूं मैं, इस नस्ल के पशु सतलज व सतलज नदी का पानी नीला दिखाई देता है, इस कारण नीली नाम रखा गया। जो सतलज नदी है उसका पानी नीला दिखाई देता है, इस कारण इसका नाम क्या रखा गया? नीली रखा गया। और इस नस्ल के पशु सतलज और रावी नदी के क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं, और मेन ओरिजन पहले से वो है पंजाब का फिरोजपुर जिला। और अन्य नाम क्या है इसका? पंच कल्याणी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसकी जो विशेषता है वो देखिए, इस नस्ल की विशेषता है वो है माथे पर सफेद रंग का टीका। अगर किसी नस्ल में आपको ऐसे पूछा जाए यानी सफेद रंग के चिन्ह कौन सी नस्ल में पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो सफेद रंग के चिन्ह पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं नीली रावी में। इसके अलावा पूंछ पर, सिर पर, थुथन
भूटान पर? टांगों के नीचे के भाग सफेद चिन्ह पाया जाता है। हाँ जी, इसके अलावा जैसे सिटी गोट आपको पता है बर्बरी नस्ल को बोला जाता है बकरी की, लेकिन सिटी बफेलो किस नस्ल को कहते हैं? तो नीली रावी को, सिटी बफेलो। सिटी बफेलो कौन सी है? नीली रावी। सैनिक डेयरी फार्म के लिए सबसे जो बेस्ट भैंस की नस्ल है वो भी कौन सी है? नीली रावी। सैनिक डेयरी फार्म के लिए सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? नीली रावी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो विशेषता है, इसकी आंखें कैसी होती है? सफेद होती है। बहुत सी गाइडों में से दे रखा है इसकी आंखें कैसी होती है? नीली होती है, लेकिन नहीं है, इसकी आंखें सफेद होती है, जिस कारण वो लाइज कहते हैं। आंखें सफेद जिन्हें हाँ जी, आंखें सफेद होती है जिन्हें वोलाइज कहते हैं। सैनिक डेयरी फार्म के लिए बेस्ट ब्रीड होती है और दूध में ऊपर लिख देता हूं इसका दूध 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्याहोत्काल दूध का उत्पादन करती है। और इसके दूध में जो फैट होते हैं वो होते हैं 8% फैट पाए जाते हैं। अब देखिए वापस स्टार्टिंग से देखिए, नीली रावी है। नीली रावी का अन्य नाम क्या है? पंच कल्याणी। पंच कल्याणी के नाम से इसको जाना जाता है। पंजाब का फिरोजपुर जिला इसका ओरिजिन पैलेस है, लेकिन इस नस्ल के पशु सतलज रावी नदी के आसपास के क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। सतलज नदी का पानी नीला दिखाई देने के कारण इसको किस नाम से जाना जाता है? नीली नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, इसकी जो विशेषता है, माथे पर सफेद रंग का टीका पाया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता है पूंछ, सिर, थूथन, टांगे के निचले भाग पर सफेद रंग का टीका पाया जाता है, सफेद रंग के चिन्ह पाए जाते हैं। सिटी बफेलो के नाम से इस नस्ल को जाना जाता है। इस नस्ल को सिटी बफेलो के नाम से भी जाना जाता है। सैनिक डेयरी फार्म के लिए सबसे अच्छी नस्ल है। सैनिक डेयरी फार्म के लिए भी सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? वो आपकी नीली रावी। आंखें सफेद जिन्हें वोलाइज कहते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। आंखें सफेद जिसे वोलाइज के नाम से जाना जाता है। और इसका दूध काल एक ब्याहत में 1500 से 1800 लीटर दूध उत्पादन करती है। और इसके दूध में जो फैट पाए जाते हैं वो 8% फैट पाए जाते हैं। नेक्स्ट ब्रीड है वो है आपकी जाफराबादी। जाफराबादी, जो जाफराबादी ब्रीड है गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र है, गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र। मिनी एलिफेंट, जितनी भी भारतीय नस्लें हैं उनमें सबसे भारी नस्ल है, इस कारण इसको मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। छोटा हाथी के नाम से इसको जाना जाता है।
और इस नस्ल की क्या क्या मुख्य विशेषता है वो देखते हैं, जाफरावादी की। शरीर भारी, शरीर भारी नस्ल होती है। कम व्यावतकाल में सर्वाधिक दूध उत्पादन, कम व्यावतकाल में सर्वाधिक दूध उत्पादन। अभी इसको समझाता हूं मैं कैसे। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो माथा होता है, माथा भारी व उठा हुआ, माथा इसका भारी होता है व उठा हुआ होता है। सींग चौड़े वे मोटे होते हैं। दूध उत्पादन करती है ये। से 1700 लीटर के लगभग, और इसके दूध में जो फैट होते हैं, वसा पाई जाती है, वो फैट होते हैं इसके दूध में 7.5%। हाँ जी, ये नस्ल देखिए, मैंने जाफरावादी नस्ल बताई। जाफरावादी का ओरिजिन पहले से गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र, गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र। आपको क्वेश्चन गुजरात याद करना है, क्वेश्चन ऐसे आएगा जाफरावादी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, तो क्या करना है आपको, गुजरात करना है। मिनी एलिफेंट के नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि ये सबसे भारी नस्ल है। भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, वो है जाफरावादी। शरीर भारी होता है और कम व्यवतकाल में सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है। कम व्यवतकाल में कहने का मतलब एक गाय है, एक भैंस है जो यानी कि डेली का 10 लीटर दूध देती है, और एक भैंस है वो डेली का 14 लीटर दूध देती है। अब भैंस का नॉर्मली जो दूध उत्पादन होता है 305 दिन का होता है। अब ये 305 दिन दूध उत्पादन कर रही है, वो कितना कर रही है, 10 लीटर कर रही है, और ये 290 दिन दूध उत्पादन करेगी, है ना। मान लो सबसे कम व्यवतकाल में सर्वाधिक दूध, 290 दिन दूध उत्पादन कर रही है, लेकिन दूध का उत्पादन डेली का कितना है, 14 लीटर है। तो कम व्यवतकाल में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी है, वो है जाफरावादी। माथा कैसा होता है, भारी होता है, वह उठा हुआ होता है, ऊपर उठा हुआ होता है। सींग चौड़े व मोटे होते हैं। सींग कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं, मोटे होते हैं, नीचे की तरफ लटके हुए रहते हैं, ऐसे लटके हुए रहते हैं, है ना। और इसका दूध उत्पादन करती है 1500 से 1700 लीटर प्रति व्यावतकाल, और इसके दूध में जो फैट होते हैं 7.5% इसके दूध में फैट पाए जाते हैं। नेक्स्ट ब्रीड अपन देखते हैं, वो है अपनी आपकी तीनों भारवाही नस्लें आपकी कंप्लीट हो गई, नीली रावी भी हो गई है, मुर्रा भी हो गई है, और जाफरावादी भी हो गई है। अब अपन नस्लें पढ़ेंगे दूसरी कैटेगरी की, कौन सी नस्लें पढ़ेंगे, मध्यम नस्लें। मध्यम नस्लों में सबसे पहली नस्ल आती है आपकी भदावरी। भदावरी जो नस्ल है उसका ओरिजिन पहले कहाँ पे है, यूपी की नस्ल है ये। इस कहाँ की है, यूपी की, आगरा, यूपी के आगरा जिले की, यूपी के आगरा जिले की बाहा तहसील का भदावर क्षेत्र है। यूपी के आगरा जिले की बाहा तहसील का बदाउर क्षेत्र इसका ओरिजिन पैलेस माना जाता है। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट
क्या क्या विशेषता है, इसकी विशेषता देख लेते हैं। विशेषता में मैंने आपको दो बातें बताई थी, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है विशेषता में। एक तो है विशेषता में ये रंग कैसा होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका रंग। रंग कैसा होता है, तांबे के समान या कॉपर के समान किस नस्ल का रंग पाया जाता है, वो पाया जाता है किसका, बधावरी का। तांबे के समान व कॉपर के समान रंग पाया जाता है। इसका शरीर होता है, शरीर आगे से पतला व पीछे से मोटा होता है। शरीर होता है फ्रंट से, तो क्या होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और पिछले सॉरी फ्रंट से होता है वो, यानी क्या होता है, थिन होता है, पतला होता है, और पीछे से क्या होता है, ब्रॉड होता है। बैक से क्या होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। शरीर आगे से पतला पीछे से चौड़ा होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है अयन। जो अयन होता है वो छोटा होता है, यानी कि जो अदर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। अयन छोटा वह सिराए होती है, दुग्ध सिराए होती है ना, वो उभरी हुई होती है, सिराए उभरी हुई, जो सिराई होती है क्या होती है, इमर्ज होती है, उभरी हुई होती है। सींग मोटे चपटे व पीछे की ओर मुड़े हुए। सींग कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, सींग मोटे होते हैं, चपटे होते हैं, पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। फिर इसकी जो मैंने आपको बताया था यूटिलिटी, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसकी यूटिलिटी। यूटिलिटी में भी जो फैट होते हैं इसमें, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यूपी का आगरा जिले का बहा तहसील का भदावर क्षेत्र इसका ओरिजिन पैलेस है। इसकी जो विशेषता है, रंग होता है वो तांबे के समान होता है, कॉपर के समान होता है। शरीर इसका होता है आगे से पतला होता है, पीछे से चौड़ा होता है। अयन होता है वो छोटा व सिराए, अयन होता है अदर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और जो सिराई होती है दुग्ध सिराई, वो इसके ऊपर अयन के ऊपर उभार लिए हुए रहती है। सींग होते हैं मोटे होते हैं, चपटे होते हैं, और पीछे की ओर मुड़े हुए रहते हैं। फिर इस नस्ल में देखते हैं अपन दूध उत्पादन देखते हैं, तो दूध 1000 से 1200 लीटर प्रति व्यावतकाल दूध का उत्पादन करती है, 1000 से 1200 लीटर प्रति व्यावतकाल। और इसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वाधिक वसा किसके दूध में पाई जाती है, गाय भैंस भेड़ बकरी में से, तो आंसर आएगा आपका भेड़। सर्वाधिक वसा भैंस की किस नस्ल में पाई जाती है, तो आंसर आएगा फिर क्या, बदावरी। बदावरी में जो वसा पाई जाती है, 12 से 14% वसा पाई जाती है। तो सर्वाधिक भैंस की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो बदावरी जो भैंस होती है उसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। इसके अलावा इसका कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन रहा है। नेक्स्ट ब्रीड अपन देखते हैं भदावरी के बाद में मेशाना। मेशाना का ओरिजिन पैलेस कहां पे है, मेशाना का ओरिजिन पैलेस है गुजरात। मेशाना का ओरिजिन पैलेस कहां पे है, गुजरात में है। गुजरात का बड़ौदा, खेड़ा, साबरकांठा, बनासकांठा। गुजरात का बड़ौदा, खेड़ा, साबरकांठा व बनासकांठा जिला इसका ओरिजिन पैलेस है। और इसका जो इसकी विशेषता है वो क्या क्या है, इसकी विशेषता मोस्ट इंपोर्टेंट तो है, मेसाना नस्ल इसका संकरण किस किस से किया गया है, मुर्रा इंटू सूरती। कौन कौन सी नस्लों से डेवलप की गई है ये, मुर्रा इंटू सूरती। मुर्रा तो क्या इसमें मेल था, और फीमेल क्या है, सूरती है। इन दोनों नस्लों के बीच में अपन ने क्रॉस करवाया, इससे कौन सी ब्रीड डेवलप की गई है, मेसाना। और मेसाना का जो करेक्टर्स है वो है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, सर्वाधिक लंबा दूध काल,
सर्वाधिक लंबा दुग्ध काल किसका है? मेशाना का है, कितने दिन का है? 325 दिन का है। 325 दिन का सर्वाधिक लंबा दूध काल किस नस्ल का है? वो है मेशाना का है। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट दिवसंकरण से विकसित नस्ल है, आपको पता है कौन कौन सी, मुर्रा इंटू सूरती से। और उपयोगिता है इसकी, दूध की उपयोगिता देख लीजिए इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बेटा, कोई इसका करेक्टर नहीं है, कलर होता है वो ये ना ब्लैक कलर होता है इसका, और इसकी और कोई खास बात नहीं है। और इसका जो उपयोगिता है, दूध दूध एक ब्यावत्काल में दूध का उत्पादन करती है, वो करती है 1800 लीटर के लगभग। और इसके दूध में जो वसा पाई जाती है वो पाई जाती है कितनी, 7% वसा पाई जाती है। कितनी परसेंट वसा पाई जाती है, 7% वसा पाई जाती है। मेसाना है, मेसाना का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है बेटा, सर्वाधिक लंबा दूध काल किस भैंस का होता है? तो किस भैंस का है, वो है आपका मेसाना का। और कितने दिन का होता है सर्वाधिक दूध? 325 दिन का होता है। कौन कौन सी संकरण से ये डेवलप की गई है? मुर्रा इंटू सूरती से डेवलप की गई है। गुजरात का बड़ौदा, खेड़ा, साबरकांठा और बनासकांठा इसका ओरिजिन पैलेस है। और दूध उत्पादन करती है, एक ब्यावत्काल में 1800 लीटर दूध का उत्पादन करती है। और इसके दूध में जो वसा पाई जाती है वो 7% वसा पाई जाती है। इसके अलावा जो मेसाना है, इसका क्वेश्चन ये भी आ सकता है, किस प्रकार की नस्ल है? भारी नस्ल है या मध्यम नस्ल है या हल्की नस्ल है? तो किस प्रकार की नस्ल है ये? मध्यम नस्ल है। तो आपकी मध्यम नस्लें मेरे अकॉर्डिंग आपके दोनों नस्ल थे सिलेबस में, मेशाना और आपके कौन सी थी, भदावरी। ये दोनों मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई है। और क्वेश्चन आपके नागपुरी का भी क्वेश्चन आ सकता है, नागपुरी हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन नागपुरी का जो क्वेश्चन आएगा वो मैं बता देता हूँ। अगर नागपुर इसका ओरिजिन प्लेस तो आपको पता है बेटा, नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र। इसकी क्या विशेषता है? एक ही लाइन में, सींग तलवार के समान होते हैं। सींग कैसे होते हैं? तलवार के समान होते हैं। नागपुरी का जो सींग होते हैं इसके कैसे होते हैं? तलवार के समान, एक दराती के आकार के होते हैं। वो किसके होते हैं? जो नेक्स्ट ब्रीड पढ़ाऊंगा मैं, सूरती, उसके होते हैं। याद रखना, इसके सींग होते हैं शॉर्ट शेप में होते हैं, तलवार के समान होते हैं। और इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो नागपुर महाराष्ट्र है। अब नेक्स्ट ब्रीड अपन देखते हैं, वो कैसी ब्रीड है? सबसे हल्की नस्ल, भैंस की सबसे हल्की नस्ल कौन सी है? वैसे तो नागपुरी है सबसे हल्की नस्ल, लेकिन अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे हल्की नस्ल कौन सी है? सूरती है। तो सूरती का अपन सबसे पहले देखेंगे, सूरती का जो ओरिजिन प्लेस है वो कहाँ है? सूरती का जो ओरिजिन प्लेस है वो है गुजरात का खेड़ा जिला, ठीक है। अब सूरती की जो विशेषता है बेटा, सूरती की क्या क्या विशेषता है वो देखते हैं अपन नेक्स्ट है। वितरण देख लो इनका, वैसे वितरण पूछता नहीं है लेकिन देख लो वितरण, है ना। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, ये इसका वितरण है। हाँ जी, अब देखिए सींग होते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन यही आता है, सींग होते हैं वो कैसे होते हैं? दराती या हसिया, ये हसिया है, या सिकल शेप में कैसे होते हैं? सींग होते हैं, दराती समान होते हैं, हसिया आकार के होते हैं, सिकल शेप में होते हैं। सिकल बोलते हैं हसिया, दराती आकार को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सिकल शेप। भैंस की सबसे हल्की नस्ल, रंग लाइट ब्राउन, जो कलर रंग होता है इसका लाइट ब्राउन रंग होता है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें,
जो इसका पैर होता है बेटा नाव के समान होता है, पैर होता है नाव के समान होता है, ऐसे बिल्कुल नाव ऐसी तो होती है, तो इसका पैर भी ऐसे होता है ना, बीच से ऐसे झुका हुआ और ऐसे होता है, तो नाव के समान इसका पैर पाया जाता है। फिर इसके बाद में इसकी बेटा थोड़ा कोई आँख में प्रॉब्लम हो गई है। सभी भैंस का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 310 दिन का होता है, 310 दिन का होता है, लेकिन इसका गर्भकाल होता है 305 दिन का होता है, 5 दिन कम लगते हैं इसके ब्याह काल में, गर्भकाल 305 दिन का। और ये जो दूध का उत्पादन करती है एक ब्याह काल में, ये नस्ल कितना दूध का उत्पादन करती है वो देखते हैं, 1500 से 1700 लीटर दूध पंद्रह सौ से 1700 लीटर। और इसके दूध में जो वसा पाई जाती है वो वसा कितनी परसेंट पाई जाती है इसके दूध में, 7.5%, 7.5% वसा पाई जाती है। हाँ जी, फिर मैं बता देता हूँ आपको वापस एक बार, जो सूरती नस्ल है, सूरती नस्ल का ओरिजिन पहले से गुजरात का खेड़ा जिला, और इसका वितरण राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, बांसवाड़ा में पाई जाती है, डूंगरपुर में पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है, सिरोही में पाई जाती है। इसके सींग होते हैं वो दराती हसिया या सिकल शेप में इसके सींग पाए जाते हैं। भैंस की सबसे हल्की नस्ल है, भैंस की जितनी भी नस्लें हैं उनमें सबसे हल्की नस्ल कौन सी है, वो है सूरती। और इसका जो रंग होता है वो लाइट ब्राउन कलर होता है, इसका बॉडी का जो कलर होता है वो लाइट ब्राउन कलर होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, पैर होता है नाव के समान होता है, और गर्भकाल होता है 305 दिन का होता है। वैसे भैंस का गर्भकाल होता है 310 दिन का, लेकिन इसका गर्भकाल कम दिन का होता है, 305 दिन का होता है। दूध एक ब्याह काल में 1500 से 1700 लीटर दूध का उत्पादन करती है, और इसके दूध में जो वसा पाई जाती है 7.5% वसा पाई जाती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट, आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी ब्रीड थी वो बेटा कंप्लीट हो गई है। अब एक ब्रीड है बेटा वो यहां बता देता हूं, स्लाइड पूरी हो गई है, टोडा। जो टोडा नस्ल है उसका ओरिजिन पहले से दक्षिणी भारत है, अग्रेसिव टाइप की ब्रीड होती है, सबसे उपद्रवी नस्ल। पूरे शरीर पर जो टोडा नस्ल है भैंस की वो दक्षिणी भारत, इसका ओरिजिन पहले से और सबसे उपद्रवी नस्ल है, सबसे अग्रेसिव टाइप की जो ब्रीड होती है वो कौन सी है, वो टोडा है। पूरे शरीर पर बाल पाए जाते हैं। तो भैंस की नस्ल मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई है बेटा। अब अपन कल नस्लें देखेंगे, वो बकरी की नस्लें देखेंगे, और बकरी के बाद में भेड़ की नस्लें देखेंगे। इस प्रकार से अपनी जो ब्रीड हो जाएगी वो दो वीडियो में, अपनी एक वीडियो में अपनी बकरी की नस्लें हो जाएगी, एक वीडियो में हो सकते हैं दो वीडियो लग जाए, क्योंकि भेड़ की नस्लें थोड़ी ज़्यादा है। तो अपना सिलेबस बहुत जल्दी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप घर पे सब अच्छे पढ़ रहे होंगे बेटा। अब एग्जाम के बहुत दिन कम बचे हैं और बढ़िया तैयारी करनी है, ठीक है? ओके, थैंक यू।